1 जुलाई 2016 को आपने उज्ज्वला को लॉन्च किया था और 2017 में आपने खूब दावा किया था, मुझे याद है, मैं उस पर भी आ जाऊंगा नारे पर, लेकिन 2016 में जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का रेट था वो 599 रुपए था, कितने 599, अब वो 580 रुपए का मिल रहा है। गैस जो चूल्हा जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे वो सर शोपीस बनके उन गरीबों के घर में पड़ा हुआ है, गैस सिलेंडर नहीं है, सब्सिडी कम हो गई, धरातल पे आप तो खत्म हो गई। ऐसा नहीं है चावला भाई, आप ग्राउंड पर देखेंगे, मैंने अभी आपको जिक्र किया उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाएं जो हमारी थी इसी कोरोना काल में उनको मुफ्त गैस देने के लिए उनको 753 रुपया उनके जनधन खाते में ट्रांसफर किया गया। ऐसा नहीं अच्छा। है ये केवल एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सरकार ने बयान दिया, आपकी सरकार ने सदन में बोला 4 फरवरी 2021 से 6 अक्टूबर 2021 के भीतर 20% गैस सिलेंडर महंगा हो गया, सब्सिडी का सिलेंडर 50% महंगा हुआ, मैं गलत बोल रहा हूं? देखिए ऐसा है चावला भाई, महंगाई हुई है इस, जी देखिए ऐसा है, देश है एक परिवार है, इसमें जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं से वो आना ही है, वो जिसके है उनको आप इसका भी तो जिक्र कीजिए जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, 753 रुपया जनधन योजना के अकाउंटों में उन सर, मैं तो कोई बता तक 20% महंगा हुआ गैस सिलेंडर, सब्सिडी वाला सिलेंडर 50। चावला भाई उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, चावला भाई जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन धारक थे उनको 753 रुपया उनके अकाउंट में भी देने का, 2017 में 17 महीने में 62 लाख कनेक्शन देने का दावा किया था आपने, कितने लोग दोबारा सिलेंडर भरवा पाए इसका आंकड़ा आज तक नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए सभी आप ग्राउंड लेवल पर जांच कराइए, हर घर में जहां भी उज्ज्वला गैस का कनेक्शन है हर घर में सुचारू रूप से वो चल रहा है, ये तो विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है। 2017 में आपने कहा था कि 17 महीने में हमने 62 लाख कनेक्शन दिए थे, अब कितने लोग ऐसे हैं जो वो गैस सिलेंडर दोबारा नहीं भरवा पाए और इसके पीछे की वजह क्या है आप मुझे बता सकते हैं? चावला भाई मैं कह रहा हूं कि मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं बिल्कुल खुले मन से इस डिबेट के माध्यम से, आप आइए मैं लाभार्थियों की सूची निकालता हूं, एक एक उज्ज्वला गैस योजना का जो लाभार्थी उनके घर लेकर के चलता हूं, अगर कहीं एक सिलेंडर भी और आपको अलग रखा मिल जाए तो जवाब दीजिए, मैं चाहूंगा निकालिए निकालिए सर, ऐसा नहीं है ये केवल एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बहुत जरूरी है, मैं चाहूंगा कि इस देश में चर्चा होनी चाहिए, मनरेगा पर भी, मजदूरी पर भी, गरीब पर भी, किसान पर भी, बेरोजगारों पर भी, दवाई पढ़ाई और कमाई ये मुद्दे होने चाहिए सर।